इस खबर के प्रायोजक हैं जसवंत सिंह भदौरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी AICTE से मान्यता प्राप्त और प्राविधिक शिक्षा परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश से संबद्ध पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग डी फार्मा कंप्यूटर इंजीनियरिंग 12 PCM और ITI पास छात्रों को सीधा प्रवेश 85% छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट कैंप ऑफिस कोसीखुर्द भरतपुर रोड मथुरा हमारा मोबाइल नंबर है 08979000125 08979000126 तो आज ही संपर्क करें जसवंत सिंह भदौरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मथुरा जनपद मथुरा के थाना वृंदावन क्षेत्र अंतर्गत काशीराम कॉलोनी में उस समय गोलियों की तड़तड़ाहट से अफरा तफरी मच गई जब लगभग एक दर्जन लोगों ने हाथों में हथियार लेकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इतना ही नहीं इन लोगों ने दो युवकों को लाठी डंडे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बेखौफ हमलावर अपने काम को अंजाम देकर भाग निकले। आनन फानन में परिजनों ने दोनों युवकों को सौसैया अस्पताल पहुंचाया, जहां एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे मथुरा के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं थाने पहुंची घायल की मां ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हमलावरों से साठ गांठ करने का आरोप लगाया है। घटना को लेकर पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। हम आपको बता दें कि ऋषभ पुत्र इब्राहिम शुक्रवार की रात काशीराम कॉलोनी निवासी अपने ताऊ के लड़के कादर पुत्र मुन्ना के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने आया था। जब ऋषभ को खाना खिलाकर कादर घर के बाहर छोड़ने आया, तभी लगभग एक दर्जनों ने उसके करीब हथियारों से लैस बदमाशों ने कादर पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। हमलावरों ने बीच बचाव को आए ऋषभ को भी नहीं बख्शा और उससे भी जमकर मारपीट की, जिससे वो लहूलुहान हो गया। चलो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने कई राउंड फायर भी किए, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई। कॉलोनी के लोग जान बचाकर सुरक्षित स्थान की तरफ दौड़ लिए। हमलावर दोनों को लहूलुहान हालत में छोड़कर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। इधर परिजन घायल हुए ऋषभ और कादर को लेकर सौसैया अस्पताल पहुंचे, जहां एक की हालत गंभीर होने पर मथुरा के लिए रेफर कर दिया गया। इस मामले में एक घायल की मां का आरोप है कि घटना की तहरीर लेना तो दूर, कोतवाली पुलिस ने घायल के उपचार के लिए चिट्ठी मजरूबी देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। घटना को लेकर प्रीति लता ने जानकारी दी। वहीं घायल ऋषभ ने अपने ऊपर हुए हमले के बारे में जानकारी दी। मेरा नाम प्रीति जी, क्या मामला हुआ है? ये मेरा बच्चा ताऊ जी के यहाँ गया था, ताऊ जी की तबीयत खराब थी, ये ताऊ जी के यहाँ गया हुआ था, वहाँ से आने पे इन लोगों ने घेर लिया, ना किसी बात का कोई पता नहीं क्या बात है क्या नहीं। वो लोग एक मुकेश है और एक उसका भाई सुशील, और मुकेश के भाई का नाम क्या है दूसरे का, सुरेश तेमर और मुकेश, और इसके साथ में सुशील, और इनके साथ में अजरुद्दीन उस्मान, और इनके साथ में कई 15 लड़कों ने इसको घेर लिया। फिर उन्होंने भागने इस पर पहले सीधी गोली मारी है, गोली से बचते हुए जब भागे तो डंडों से होगी से गिरा लिया है, और मेरा बच्चा खून से लथपथ हो रहा था, बड़ा बच्चा कादिर मेरे जेठ का लड़का, वो उन्हें उसको मथुरा ले गए, उसकी गोली लग गई है और सिर में बहुत चोट है। और मेरे बच्चे का नाम ऋषभ है, और मैं उसको थाने लेके आई, थाने में कोई सुनवाई नहीं, थाने में मेरा काम मजरूम चिट्ठी दे दो, पहले तुम अपने बच्चे को ले जाके भर्ती कर दो, जाइए हम कल देंगे, कल अज्ञात में हमको लिख के दीजिए, मैं इनके नाम दर्ज दूंगी, मेरा बच्चा बोल रहा है नाम, लेकिन फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। अभी मैंने दोनों लोगों के गंभीर घायल हैं, दोनों मेरा बच्चा दर्द से खराब है। ये मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, जिला अस्पताल में मैं सब। ये किस जगह घटना रही है? ये मैं इधर 100 काशीराम कॉलोनी थी, लेकिन मुझे कोई चिट्ठी नहीं दी, कोई चिट्ठी नहीं दी मुझको, सुबह देंगे ऐसे करके मुझे भगा दिया। क्या विवाद था, कोई पहले से विवाद था? अरे पहले कोई विवाद नहीं, पहले था मेरे इनका झगड़ा हो गया था, ऋषभ का इसको ऋषभ का नाम ले दिया था बिना बात कोई, अजरुद्दीन का उसका झगड़ा हुआ था मलाम से, मुकेश से अजरुद्दीन का जो मेरे जेठ का लड़का है उसका झगड़ा हुआ था, उसके साथ मेरा ऋषभ गया था, तो मेरा ऋषभ नहीं बोला था कम से कम छह महीने पहले की बात इन्होंने हम मारा। अब आप कह रही हैं थाने में दूसरा पक्ष बैठा था, कौन बैठा है थाने में? ये सारे मलाह बैठे हैं, मुकेश और ये सुशील, ये सब पूरा थाना भरा पड़ा है, पुलिस भी नहीं सुन रही है, पुलिस को भरपूर पैसा दिया गया है, मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं, मेरा एक बच्चा है और गंभीर घायल है। अब आपका क्या अगला कदम रहेगा? मेरा अगला कदम मैं कहाँ ले जाऊँ अपने बच्चे को, मैं समझ ही नहीं पा रही मैं क्या करूँ,
और आए दिन मेरे बच्चे को कभी किसी चीज में कभी किसी चीज में आए दिन फंसा देते हैं। यहाँ कोई सुनवाई नहीं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। हम अपना काम अपनी शिकायत लेके जाते हैं, हमारी कोई दर्ज नहीं होती, दूसरी पार्टी की दर्ज हो जाती है। दूसरा घायल कहाँ है? दूसरा घायल मथुरा ले गए, पता नहीं आगरा ले गए, मेरी जानकारी। ज्यादा सीरियस हालत है उसकी? सीरियस हालत है, उसको गोली लगी हुई है पूरे सिर में। क्या मामला हुआ ये भैया? भैया जी कातिल तो मारने आए थे, मुकेश तोमर और सुशील और सुरेश, उनके दंत तमाम लगते थे, उन्होंने मुझे भी मारा वहाँ पे। कहाँ का मामला हुआ ये? चासीदा। कितने लोग थे करीब? सब आते पत्ते। आप ना क्या कर रहे थे? मैं ताऊ थे यार, जंतर है। अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे मंच न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाएं।